तो आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओल्ड स्कूल क्वेश्चन में। दोस्तों फ्रेम में आप जो गाड़ी देख रहे हो, इस गाड़ी को बनाने में लगे हमें 5 महीने का टाइम, और ये गाड़ी हमारे पास में रिसीव हुई थी महेंद्रगढ़ हरियाणा से। वहां से वकील साहब जी ने, वीर जी ने ये गाड़ी हमें भेजी थी, और गाड़ी की प्रीवियस कंडीशन क्या थी आप वीडियो के शुरुआत में देख चुके हो। गाड़ी के अंदर क्या क्या काम हुआ है और किस लेवल का काम हुआ है ये आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाला है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहे और गाड़ी का साउंड नोट आपको जरूर मैं सुनाऊंगा। और दोस्तों वो कहते हैं ना कि किसी काम को करने के लिए शिद्दत होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, और मेहनत तो लगती ही लगती है। तो दोस्तों इस गाड़ी को बनाने में हमें 5 महीने का टाइम इसलिए लगा है कि इस गाड़ी के ऊपर बहुत सारे जो वीर जी हैं उन्होंने बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स मांगी थी, तो उन सारी रिक्वायरमेंट्स को हमने फुलफिल किया है। तो उस्ताद जी बताएंगे इस गाड़ी के अंदर उन्होंने क्या क्या काम किया। तो दोस्तों सबसे पहले एक बात करेंगे कलर की क्वालिटी के बारे में, और कलर का कोड मैं आपको बताने वाला हूं कि कलर इसके ऊपर कौन सा हुआ है। तो दोस्तों ये जो कलर का आप कोड देख रहे हो, ये जो कलर है इसका नाम है मिस्टिक ऑरेंज, और ये आता है न्यू जावा के ऊपर, जो कि आप नई जावा फ्रेम में देख सकते हो। ये जो जावा 2024 में जो नया एडिशन इसका आया है उसके ऊपर ये कलर दोस्तों आया है, और इस कलर का कोड है मिस्टिक ऑरेंज, इस कलर का नाम है मिस्टिक ऑरेंज। तो वीर जी की डिमांड थी कि उनको ये न्यू जावा वाला कलर चाहिए, और कलर की क्वालिटी दोस्तों आप देख सकते हो कि कलर कितना ज़बरदस्त हुआ है, एक एक दाना आपको इस पर चमकता हुआ दिखाई देगा। अब चूंकि बात करते हैं दोस्तों इस टंकी की, तो टंकी जो है दोस्तों वो क्रोमेबल नहीं थी, तो इसके ऊपर हमने करवाया है बिल्कुल वाइट, चमकता हुआ दानेदार वाइट कलर इसके ऊपर दोस्तों हमने करवाया है, और ये ओरिजिनल जावा का मोनोग्राम इसके ऊपर इंस्टॉल किया है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके क्रोम क्वालिटी के बारे में, तो क्रोम आप देख सकते हो क्रोम कितना ज़बरदस्त हुआ है दोस्तों, और क्रोम मैं खुद जाके पर्सनल इंदौर से जाकर करवा कर लाता हूँ। आप एक एक पार्ट इसका देख सकते हो कि क्रोम कितना इसका ज़बरदस्त और शाइनी क्रोम है। ये जो नंबर प्लेट है दोस्तों ये गाड़ी के साथ में आई थी, फ्रंट का जो मडगार्ड का जो गार्ड आप देख रहे हो ये गाड़ी के साथ में ही था, इसको हमने रिप्लेस नहीं किया है। क्रोम की क्वालिटी आप देख सकते हो दोस्तों, एक एक चीज़ के ऊपर आप क्रोम देख सकते हो। ये क्रोम देखिए दोस्तों, और इस क्रोम के पार्ट को दोस्तों मैं खुद लेकर जाता हूं और एक एक पार्ट को अपने हाथ से वहां पर काउंट करवा के और उनको डायरेक्शन देकर आता हूं कि मुझे किस क्वालिटी का क्रोम इस गाड़ी के ऊपर, हर गाड़ी के ऊपर चाहिए। तो दोस्तों ये तो हो गई क्रोम की बात। अब बात करते हैं दोस्तों उस्ताद जी से इसके इंजन के बारे में, तो उस्ताद जी जरा आए फ्रेम के अंदर और बताएंगे आपने इसके इंजन में क्या क्या काम किया है। हमने इस इंजन में पिस्टन डाला है, क्रैंक बनवाई है जी, क्लच प्लेट डाली है जी, आइसिंग की ट्रे पैकिंग की ट्रे सारा जी, एकदम जीरो जीरो कर दिया हमने इसको जी, ताकि हमारे पास गाड़ी बार बार तो आएगी नहीं। चूंकि दोस्तों यही कारण होता है गाड़ी बार बार तो आएगी नहीं, इसलिए एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम प्रोडक्ट बना के दो, जिसको भी बना के दो। तो उस्ताद जी से गुजारिश करूंगा कि एक बार स्टार्ट करके कस्टमर्स को साउंड सुना दें, सभी दोस्तों को साउंड सुना दें। दोस्तों गाड़ी एक एक की स्टार्ट है और साउंड का स्ट्रोक आप सुन सकते हैं। से गुजारिश करूंगा एक बार इंजन का भी साउंड सुना दें। तो दोस्तों साइलेंसर पे दोनों हाथ रखने के बाद आप इंजन का साउंड सुन सकते हो कि बिल्कुल इसका साइलेंट इंजन है। ये देखो मैं रेस दे रहा हूं और ये साउंड साउंडलेस इंजन है बिल्कुल। तो दोस्तों ये तो हो गई इंजन के साउंड की आवाज। अब बात करते हैं इसके इक्विपमेंट्स के बारे में कि हमने इसके अंदर क्या क्या पार्ट नया और ओरिजिनल इंस्टॉल किया है। तो उस्ताद जी से गुजारिश करूंगा एक बार गाड़ी को बंद कर दें। करते हैं इसके इग्निशन स्विच के बारे में, तो दोस्तों इसके अंदर हमने इंस्टॉल किया है नेल की टाइप इग्निशन स्विच, और बिल्कुल ओरिजिनल स्विच इसके अंदर दोस्तों इंस्टॉल किया है। साथ के साथ दोस्तों इसका मीटर ओरिजिनल था तो इसको हमने रिपेयर करवाया, चूंकि ये डायल मेरे पास ओरिजिनल रखे हुए हैं, मीटर की रिंग रखी हुई है, तो इसको हमने वापस से रिपेयर करवा दिया है। मीटर ओरिजिनल था तो इसको रिप्लेस नहीं किया है दोस्तों। इसके अलावा लीवर जो आप देख सकते हो दोस्तों जावा की मार्किंग के साथ क्लच और ब्रेक लीवर हैं। साथ के साथ दोस्तों इसको आप देख सकते हो थ्रोटल को, कि ओरिजिनल जावा का जो न्यू जावा आई है जो मैं फ्रेम में दिखा रहा हूँ उसके थ्रोटल हमने इसके अंदर इंस्टॉल किए हैं, जो कि बलून ग्रिप टाइप में है दोनों साइड में। साथ के साथ दोस्तों वीर जी की डिमांड थी कि उनको हैंडल वेट चाहिए, तो इसके अंदर हैंडल वेट भी हमने इंस्टॉल किया है,
और दोस्तों वीर जी को चाहिए था ओरिजिनल जावा की मार्किंग वाला हॉर्न, तो हमने वो ओरिजिनल मार्किंग वाला हॉर्न भी इसके अंदर इंस्टॉल किया है। साथ के साथ दोस्तों एसेसरीज के अंदर आप देखें तो ये नंबर प्लेट और ये मडगार्ड गार्ड गाड़ी के साथ में आया था, लेग गार्ड हमने इसके अंदर ओरिजिनल लगाया है। सिंगल सीट तो आप देख ही रहे हो दोस्तों, इस सिंगल सीट की कहानी यह है दोस्तों कि वीर जी को चाहिए थी सिंगल सीट, तो हमने इसको इंस्टॉल किया है और हमने लगाई है इसके अंदर रॉयल इनफील्ड की सिंगल सीट। और दोस्तों इसको जंप करने के लिए पीछे लगाई है एक स्प्रिंग और ये सीट रिमूवेबल है, जब चाहो आप इसके अंदर ओरिजिनल सीट इंस्टॉल कर सकते हो, जब चाहो आप इसको सिंगल सीट पर लगा सकते हो। और दोस्तों बात करते हैं हम और दूसरे पार्ट के बारे में, तो इसको इसके अंदर हमने लगाया है ओरिजिनल पेट्रोल फिल्टर जो कि ग्लास टाइप आता था। गाड़ी के अंदर दोस्तों ओरिजिनल रियर शोकर कप टाइप लगे हुए थे तो इनको ओरिजिनली रखा है। गाड़ी के अंदर टेल लाइट ओरिजिनल रखी थी। साथ के साथ दोस्तों आपको एक ऐसी टेक्निक बताता हूँ जो कोई भी आपको कोई भी रिस्टोलर लगा के नहीं देगा। ये जो आप ट्यूब देख रहे हो दोस्तों, ये ट्यूब का काम ये है कि जब जब गाड़ी चलेगी तब तब इंजन से एक एक बूंद ऑयल निकल के और जहाँ पे ये ट्यूब लगी हुई है, ये लगी हुई है स्विंग आर्म में, स्विंग आर्म को ये लुब्रिकेट करती रहेगी। तो दोस्तों ये पार्ट आपको कोई भी नहीं लगा के देगा हमारे अलावा। साथ के साथ दोस्तों ये जो आप देख रहे हो टूल बटन, ये टूल बटन भी हमने इंस्टॉल किए हैं ओरिजिनल ब्रास के। साथ के साथ दोस्तों इस गाड़ी को हमने बनाया है CDI किट पे और इसको कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक। तो दोस्तों इसको इलेक्ट्रॉनिक करने में भी हमें 4 दिन का समय लगा क्योंकि हर चीज़ परफेक्टली काम करे वो सारा कुछ देखना पड़ता है। अब बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के बारे में। तो इसके अंदर हमने लगाई है 4LV बैटरी विद चार्जिंग सिस्टम। और दोस्तों काम कैसे करती है, जैसे ही आप स्विच को 2 नंबर करोगे तो इसके अंदर जलेगी आपको LED क्रिस्टल लाइट। और डिपर आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखें तो कितनी ब्राइट इसकी रोशनी, यहाँ पे आप डिपर देख सकते हो, बिल्कुल राउंड शेप में रोशनी आएगी ताकि हाईवे पे लो बीम और हाई बीम का आप मज़ा ले सकें। बैकलाइट दोस्तों ओरिजिनल रखी है। जैसे ही आप गाड़ी की चाबी को 2 नंबर पे करोगे तो आपकी हेडलाइट और बैकलाइट काम करने लगेगी। साथ के साथ दोस्तों इसके अंदर मीटर बल्ब भी लगाया है ताकि रात में जब चले तो आपको स्पीड और किलोमीटर देखने में कोई परेशानी नहीं हो। जैसे ही आप इसको 2 नंबर से बंद करेंगे तो आपकी लाइट बंद हो जाएगी। और 1 और 2 का ही सिस्टम इसमें किया है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये बताना है मुझे कि आपको वीडियो कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और स्क्रीन पे साइड में जो नंबर चल रहा है दोस्तों उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम कोटा सिटी राजस्थान में हैं। आपको अगर जावा SG राजदूत बनवाना है तो आप ऊपर जो स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उस पर आप हमसे संपर्क करें। सेल के लिए ये गाड़ी नहीं है, आपसे सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि नंबर देख के सेल खरीदने के लिए फ़ोन ना करें। ये गाड़ी कस्टमर की है और सेल के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको काम पसंद आ जाए तो आपसे लास्ट में यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।